जय हिंद दोस्तों। ऐसे तो शेयर मार्केट में बहुत से स्टॉक ब्रोकर अवेलेबल हैं, बट ये भी दो कैटेगरी में बटे हुए हैं। एक है डिस्काउंट ब्रोकर एंड सेकंड है फुल टाइम सर्विस ब्रोकर। अब ऐसे में जब भी कोई बिगनर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग की सोचता है तो उसके माइंड में एक ही सवाल बार बार आता है कि वो अपना डीमैट अकाउंट कहाँ खोले और इन दोनों ही टाइप के ब्रोकर में कौन उसके लिए ज्यादा सुटेबल एंड बेनिफिशियल होगा। तो आज के ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बिकॉज इसे देखने के बाद आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको अपना डीमैट अकाउंट कहाँ खोलना चाहिए। अगर आप एक बिगनर हैं तो आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि स्टॉक ब्रोकर कौन होते हैं और करते क्या है। स्टॉक ब्रोकर बेसिकली वो लोग होते हैं जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज के शेयर, आईपीओ, एफपीओ, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, एनसीडी, ओएफएस एक्सेट्रा में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने के लिए, जिसके लिए ये आपसे कुछ चार्जेस भी लेते हैं। अब ये चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो स्टॉक ब्रोकर किस कैटेगरी का है। कैटेगरी वाइज डिस्काउंट ब्रोकर में सबसे पॉपुलर ब्रोकर की लिस्ट में जीरोधा, ग्रो, एंजल वन एंड अपस्टॉक्स जैसे ब्रोकर आते हैं। वहीं फुल टाइम सर्विस ब्रोकर की लिस्ट में टॉप पर आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल एंड शेयर खान आते हैं। इंडिया में अराउंड 57% का मार्केट शेयर डिस्काउंट ब्रोकर का है, और अगर आप टॉप 5 ब्रोकर की बात करें तो उसमें से भी टॉप के 4 ब्रोकर डिस्काउंट ब्रोकर ही हैं। और ये जो आंकड़े हैं वो पिछले 5 सालों में बहुत ही तेजी से बढ़े, बिकॉज डिस्काउंट ब्रोकर में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग पर आपसे मैक्सिमम 20 रुपीज पर ऑर्डर चार्ज किया जाता है। चाहे आप 1 लाख का शेयर क्यों ना बाई करें, मैटर नहीं करता, आपके एक ऑर्डर पर आपसे मैक्सिमम 20 रुपीज ही चार्ज किया जाता है एंड डिलीवरी ट्रेड तो टोटली फ्री है। वहीं फुल टाइम सर्विस ब्रोकर में आपको ये चार्जेस बहुत ज्यादा लगते हैं। वहां पर आपको इंट्राडे में चार्जेस एवरेज 0.03% एंड डिलीवरी में 0.30% लगता है। ये चार्जेस मैं एक एवरेज के बेसिस पर बता रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ ब्रोकर इससे ज्यादा या फिर कम भी चार्ज कर सकते हैं, बट इस केस में अगर आप किसी शेयर को 1 लाख रुपए का बाई करते हैं तो आपको उस पर 30 रुपए का इंट्राडे चार्जेस एंड डिलीवरी में 300 रुपए का चार्ज देना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा है। और इन चार्जेस को देखकर जो भी नए प्लेयर स्टॉक मार्केट में एंट्री लेते हैं वो डिस्काउंट ब्रोकर को ही प्रिफर करते हैं, और यहीं पर उनसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है, बिकॉज स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए ओनली चार्जेस मैटर नहीं करते, आपके ब्रोकर का सपोर्ट सिस्टम, एडवाइस, रिसर्च एंड अवेलेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी बहुत मैटर करते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर पर आपको डायरेक्ट सपोर्ट सिस्टम की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम होने पर कस्टमर केयर को कॉल करके 5 से 10 मिनट तक का वेट करना पड़ता है। और जहाँ स्टॉक मार्केट में शेयर के प्राइस हर सेकेंड में चेंज होते रहते हैं, तो आई थिंक आप यहाँ टाइम की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। एंड इनका कोई लोकल ऑफिस नहीं होने के कारण भी आपको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। डिस्काउंट ब्रोकर में आपको पर्सनल एडवाइस बिल्कुल नहीं मिलती, तो ये भी इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। यहाँ पर आपको रिसर्च कॉल या तो बहुत लिमिटेड मिलती है या फिर बिल्कुल भी नहीं मिलती, जो कि एक बिगनर के लिए स्टॉक मार्केट में इनिशियल रिक्वायरमेंट होती है। फुल टाइम सर्विस ब्रोकर आपसे चार्जेस ज्यादा लेते हैं, बट यहाँ आपको बहुत से बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि इनके ऑफिस आपके घर के पास ही मिल जाते हैं और आप वहां पर जाकर वहां पर बैठकर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उनसे ले सकते हैं, सीख सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होने पर या इंफॉर्मेशन के लिए आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट किया जाता है, जो कि टाइम टू टाइम आपको आपके पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस के बारे में बताता रहता है, किस टाइम पर कौन सा शेयर बाई करना है एंड सेल करना है उसकी जानकारी भी देता रहता है, और आपके पास टाइम ना होने पर फोन कॉल के थ्रू आपके बिहाफ में बाई एंड सेल के ऑर्डर भी लगा देता है। साथ ही यहां पर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, इन्वेस्टर एडवाइजरी पोर्टफोलियो एंड लिवरेज फंडिंग जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जो कि एक डिस्काउंट ब्रोकर नहीं प्रोवाइड करता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्काउंट ब्रोकर खराब है और फुल टाइम सर्विस ब्रोकर अच्छे हैं। अकॉर्डिंग टू मी, वो लोग जो कि स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं, खुद से ट्रेडिंग नहीं कर सकते, जिन्हें गाइडेंस एंड एक्सपर्ट एडवाइस की नीड है और जो पर्सनल सपोर्ट के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज पे करने के लिए रेडी हैं, उन्हें स्टार्टिंग में फुल टाइम सर्विस ब्रोकर को चूज करना चाहिए। और एक बार जब आप इससे रिलेटेड थोड़ा नॉलेज गेन कर लेते हैं, तब आपको डिस्काउंट ब्रोकर में शिफ्ट हो सकते हैं।
बिकॉज बिना तैरना सीखे पानी में कूदोगे तो डूबोगे ही, और स्टॉक मार्केट तो समुंदर है, यहाँ पर बिना सीखे और बिना जानकारी के इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हो तो आपके पैसे डूबना तय है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक बिगनर के लिए स्टॉक मार्केट में स्टार्टिंग लेवल में कौन सा ब्रोकर सही रहेगा। तो अब वो गलती आप मत करना जो कि 90% बिगनर स्टॉक मार्केट में एंट्री करते टाइम करते हैं। एंड जाते जाते वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।